हेलो एवरीवन, हमने काफ़ी वीडियो पहले किए हैं रिगार्डिंग स्प्राउट्स और रिगार्डिंग डेयरी प्रोडक्ट्स। उनमें इसे हमें रेफरेंस मिला है कि भाई नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट क्यों सुपीरियर होती है वेजिटेरियन प्रोडक्ट से, मसल बिल्डिंग के लिए, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए या हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। इसके ऊपर आज डिटेल में चर्चा करेंगे। माइसेल्फ डाइटिशियन गौतम जानी, लेट मी टेल यू, पहले तो कौन कौन सी प्रोडक्ट हमारे आसपास सराउंडिंग में अवेलेबल होती है नॉन वेजिटेरियन में। पहले तो आता है ग्रुप पोल्ट्री का। पोल्ट्री मतलब चिकन एंड एग्स, जो सबसे हैवीली पॉपुलर होते हैं मसल बिल्डिंग के लिए। सेकंड आते हैं सी फूड। सी फूड के अंदर फिश, प्रॉन्स, लॉबस्टर ऐसी चीज़ें इंक्लूड होती है जो जनरली जिसके नियर बाय सी होता है, जिस सिटी के नियर बाय, वहाँ पर ईजिली एक्सेसिबल होती है। और थर्ड आती है मीट। मीट मतलब गोट मीट एंड रेड मीट, इस प्रकार के मीट अवेलेबल होते हैं इजीली मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो पर 100 ग्राम 10 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। इसके मुकाबले नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट के अंदर पर 100 ग्राम हमें 20 टू 25 ग्राम जितना प्रोटीन मिलता है। हर किसी में, यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन है इतने सारे सोर्सेज के अंदर, आप वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन में डिफरेंस देख पाएंगे, ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल डिफरेंस है। इसके अलावा कंपेरेटिवली नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट के अंदर वेजिटेरियन प्रोडक्ट से ब्रांच चेन अमीनो एसिड की रेंज बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड के अंदर ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड लाइसिन, ये तीन प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जिसका एक सोलो पर्पस होता है मसल बिल्डिंग। जैसे ये पर्पस फुलफिल होता है तो आपकी बॉडी में मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से और स्पीडली ग्रो होती है। इसीलिए इंट्रा वर्कआउट ब्रांच चेन अमीनो एसिड का सप्लीमेंट लेते हैं मसल के ब्रेकडाउन को घटाने के लिए और आपके मसल के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो यही अमीनो एसिड की प्रोफाइल सारे नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट में बहुत ही रिच होती है। इसी की वजह से ये मसल बिल्डिंग में ज़्यादा यूज़ होते हैं वेजिटेरियन सोर्सेज के मुकाबले। आप सी फूड देखें, मीट देखें या पोल्ट्री देखें, सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नील या आपको ज़ीरो मिलेंगे। इसी की वजह से जब कोई पर्सन वेट लॉस, फैट लॉस या मसल बिल्डिंग के लिए जाता है तो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट ज़्यादा हेल्प करती है, बिकॉज इसमें मसल बिल्डिंग अमीनो एसिड ज़्यादा है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, फैट की मात्रा ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है और ये कंप्लीट प्रोटीन के सोर्सेस है। तो आज का हमारा वीडियो हम यहीं रैप अप करेंगे। ये चार बेनिफिट थे नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट के कंपेरेटिवली वेजिटेरियन सोर्सेज के। कोई आपको कितना भी बोले कि मसल बिल्डिंग के लिए वेजिटेरियन एंड वीगन सोर्सेज अच्छे होते हैं तो ये गलत बात है। मसल बिल्डिंग के लिए नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ज़्यादा अच्छे होते हैं। हाँ, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज खाने के अपने डिसएडवांटेजेस भी है, जहाँ पे आपकी बॉडी ज़्यादा टेम्परेचर पकड़ती है, हीट पकड़ती है, आपकी बॉडी में देर इज़ अ हायर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन और आपकी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन होने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। तो मसल बिल्डिंग के लिए वेजिटेरियन प्रोडक्ट के कंपेरेटिवली नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट अल्टीमेटली अच्छी होती है, ये हमने इन चार साइंटिफिक बातों से जाना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो अगर आपको जानने हो तो आप नीचे कमेंट में लिखें, हम उस पर वीडियो ज़रूर से बनाएंगे।